أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद लाल फ्रॉम कासी ग्रामर बॉयज हाई स्कूल लाहौर। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल एट होम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6, बायोटेक्नोलॉजी। आवर टुडेज टॉपिक इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है या डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। आंसर इसका ये है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंस दैट अंडरस्टैंड्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कहता है बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी साइंस है जो डिफरेंट मटेरियल को अंडरस्टैंड करती है, मॉलिक्यूल एंड ड्रग्स ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट मटेरियल मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स का जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर इफ़ेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस है वो सारा इस बायोटेक्नोलॉजी में होता है, पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ख़ास तौर पर बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं वो इंसानों के लिए जो है वो बनाई जा सकती हैं। बेनिफिट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, फिर रिस्क क्या है, वो जो है हम इस चैप्टर में फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है, दिस फील्ड टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स एंड न्यूट्रिएंट ऑन सेल एंड हाउ इट कैन लीड टू डेवलपिंग ऑफ न्यू ड्रग्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। कहता है इस फील्ड में जो है हम डिफरेंट जो ड्रग्स हैं और न्यूट्रिएंट हैं सेल पर उसके क्या असरात होते हैं उसको जो है हम टेस्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उससे जो है हम नई ड्रग्स बनाते हैं जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स से जो है ये मौजूद है। ऐसे नहीं है कि ये आजकल के दौर में या 100-200 ईयर्स अगो की बात है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो जो है ये पहले से मौजूद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री है उस पर नोट लिखें। आंसर है पहला पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन इट्स बेसिक फॉर्म। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, कहता है बायोटेक्नोलॉजी जो है हज़ारों सालों से जो है अपनी बुनियादी फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पर दिए हमें। नंबर वन, Egyptians noticed that of the grapes were allowed to ferment with yeast. कहता है Egyptian जो मिस्र के लोग हैं उन्होंने ये notice किया, ये observe किया कि अगर जो आपके पास grapes हैं, अंगूर हैं, उसको yeast के साथ ferment किया जाए, खमीर किया जाए, तो उसके नतीजे में एक liquid बनता है। उस liquid का नाम उन्होंने alcohol रखा। इट वुड प्रोड्यूस अ सर्टेन लिक्विड, एक ख़ास किस्म का लिक्विड प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब ग्रेप्स और यीस्ट, यीस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई है, इन दोनों का जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में एक लिक्विड बनता है। दे कॉल्ड इट अल्कोहल, उन्होंने इसको अल्कोहल कहा। यीस्ट आर आल्सो यूज्ड टू मेक अल्कोहल, विनेगर एंड ब्रेड। कहते हैं यीस्ट जो है अल्कोहल बनाने में, सिरका बनाने में और ब्रेड बनाने में जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायरी प्रोडक्ट सच एज योगर्ट एंड चीज़। कहता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डायरी प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल दही है, चीज़ है, तो इस पर्पज़ के लिए जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो यूज़ होते हैं। और बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बेनिफिशियल जो चीज़ें बनाई जाती हैं उस प्रोसेस को आप बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। उसके बाद ये उसने एक हमें एग्जांपल दिखाई है, आप देख रहे होंगे कि ट्रेडिशनल, आप पहली डायग्राम देखें जिसमें लिखा हुआ है ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग। पहला जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, आपको कुछ सर्कल नज़र आ रहे हैं जो कि रेड या पर्पल कलर आप कह सकते हैं। उसके सेंटर में एक येलो कलर का सर्कल है जो कि डिज़ायर्ड जीन है, मतलब ये ऐसा जीन है जो कि एक ख़ास अहमियत रखता है
और हम चाहते हैं कि ये जीन जो है हमें कमर्शियल वैरायटी जो ग्रीन इन कलर आपको नज़र आ रही है उसके अंदर ये जो है हमें हासिल होना चाहिए। अब करवाया क्या जाता था, इन दोनों प्लांट्स का जो है, ये दोनों प्लांट की वैरायटी, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया गया। अब इन दोनों से बनने वाला जो प्लांट था वो हाइब्रिड था। हाइब्रिड का मतलब है जिसमें इन दोनों स्पीशीज़ की जो दोनों वैरायटी हैं इनकी खसूसियत पाई जाएगी। अब हमें चाहिए सिर्फ येलो कलर का जीन्स था ग्रीन वैरायटी में, लेकिन आप देखें कि उस येलो कलर जीन के साथ जो है वो डार्क पर्पल कलर या डार्क रेड कलर के जो सर्कल हैं, मतलब ये उस वैरायटी के दूसरे जीन्स भी इसमें आ गए जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें सिर्फ जो है वो येलो कलर का जो जीन डिज़ायर था, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक था, वो चाहिए था। लेकिन ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग में आप उसको डिज़ायर्ड जीन को सेपरेट कर इंसर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है उसमें आप देखें वही दो डायग्राम उन्होंने जो पहले यूज़ किए हैं वही यूज़ किए हैं, लेकिन इसका प्रोडक्ट अगर आप देखें एरो के बाद तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ग्रीन सारा कलर है और एक ही आपके पास येलो कलर का सर्कल है जो हमारा डिज़ायर्ड जीन था, तो इसमें जो है वो दूसरे जो डार्क पर्पल या रेड कलर के जो सर्कल्स थे वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो जीन आप चाहते हैं कि जस्ट वही आपको नेक्स्ट वैरायटी में जो है वो मिले, तो आप उस जीन को जो है वहाँ से आइसोलेट करके नई जो आपके पास स्पीशीज़ है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और यही उन्होंने हमें डायग्राम के ज़रिए जो है वो समझाया है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फर्दर डिवेल्प वेन इन 1970s साइंटिस्ट अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक री इंजीनियरिंग। कहते हैं इन 1970s के बाद जो साइंटिस्ट हैं जब वो जेनेटिक री इंजीनियरिंग का प्रोसेस समझ गए तो बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है इसमें फर्दर डिवेलपमेंट हुई। इन जेनेटिक री इंजीनियरिंग सर्टेन बैड जीन्स आर रिमूव एंड गुड जीन्स आर पुट इन, द रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म विल बी स्ट्रोंगर। कहते हैं जेनेटिक री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी स्पीशीज़ में जो है अगर कोई ख़राबी है और वो ख़राबी जो है जीन्स की वजह से है, तो आप चाहते हैं कि उस स्पीशीज़ से, उस ऑर्गेनिज्म से वो जो बैड जीन है उसको आप रिमूव कर दें और उसकी जगह जो है कोई हेल्दी जीन आप इंसर्ट कर दें। तो ये सारा प्रोसेस जो है, मतलब बैड जीन को आप रिमूव करेंगे, गुड जीन को इंसर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को जेनेटिक री इंजीनियरिंग कहा जाता है। उसके बाद है सो फार इट हैज़ बीन प्राइमरीली डन ऑन प्लांट्स इन द एरियाज़ ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। कहते हैं एग्रीकल्चर की जो फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, ज़्यादातर वहाँ पर इसको अप्लाई किया गया है। नंबर फोर पॉइंट है इन ट्रेडिशनल ब्रीडिंग फार्मर्स कुड नॉट आइसोलेट द रिक्वायर्ड जीन। कहते हैं ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग है, मतलब जो रिवायती तरीका था ब्रीडिंग का प्लांट का फार्मर इस्तेमाल करते, उसमें वो पर्टिकुलर जीन को, एक ख़ास जीन को आइसोलेट नहीं कर सकते और उसको दूसरी जो वैरायटी है उसमें वो इंसर्ट नहीं करते। वो सिंपल दो प्लांट को लेते हैं, उनके ग्राफ्टिंग आप कह सकते हैं जो है उसके ज़रिए जो है वो उन दोनों के जो जीन्स हैं या दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जो है वो मिक्स करने में कामयाब होते हैं, जिससे जो है एक नई वैरायटी मिल जाती है। द रिक्वायर्ड जीन एंड गॉट अदर जीन्स अलॉन्ग विद द सेलेक्टेड वन, और उनको जो है अपनी मतलब का जीन जो है वो हासिल हो जाता है। बट विद मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड, लेकिन आजकल जो जदीद मेथड है, साइंटिस्ट कैन आइसोलेट एंड ट्रांसफ़र द सेलेक्टेड जीन। कहता है जो साइंटिस्ट हैं पहले वो जीन सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा जीन चाहिए, उस जीन को सेलेक्ट करके वो उस ऑर्गेनिज्म से, उस स्पीशीज से उसको निकाल लेते हैं और निकाल कर उस स्पीशीज में इंसर्ट करना चाहते हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये जीन जो है वो ठीक नहीं है, हमें इसको रिप्लेस करना है, तो वो जीन वो जो है उस वैरायटी से निकाल कर दूसरी वैरायटी में लगा दिया जाता है। यहाँ तक तो था हमारा आज का टॉपिक जो कि ख़त्म हो गया। इसके बाद प्रीवियस चैप्टर की अगर बात करें तो वहाँ से हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जो कि हम अब डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन हमारा था कंप्लीट द एम्प्टी बॉक्सेस एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो एम्प्टी बॉक्सेस दिए हुए उसने तीन, कहता है इसको आपने कंप्लीट करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन है, जो उन्होंने स्केच बना के दिया है वो उस स्केच के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है ना वो थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी है, मतलब उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। या तो उनको वो स्केच जो है वो चेंज करना पड़ेगा या फिर ये जो आपके पास स्टेटमेंट है इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है।
स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जो बॉक्स के नीचे है. इट शोज़ अ क्रॉस बिटवीन अ वुमेन विद ब्राउन आइज. एक वुमेन है उसका क्रॉस करवाया गया विद अ मैन. आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो ब्लू आइज लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर इसको कट करके आल्सो ब्राउन आइज करेंगे. कहता है एक वीमेन है जिसकी आइज़ का कलर ब्राउन है, उसका अगर क्रॉस करवाया गया एक मैन के साथ जिसकी कलर आइज़ कलर जो है वो भी ब्राउन है, उसमें क्या होगा. बी स्टैंड फॉर द अलील्स फॉर ब्राउन आइज, कैपिटल बी स्टैंड फॉर द अलील्स फॉर ब्राउन आइज एंड स्मॉल बी स्टैंड फॉर द अलील फॉर ब्लू आइज. तो कहता है जो कैपिटल बी है वो जो है वो ब्राउन आइज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल बी जो है वो ब्लू आइज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट है. अब अगर आप देखें ऊपर डायग्राम में जहाँ पर मैन लिखा हुआ है वहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल बी है, और इसी तरह से जो ग्रीन इन सर्कल बना हुआ है उसमें वुमेन वुमेन जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी है. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन और वुमेन दोनों जो है वो हेट्रोजाइगस हैं. अगर हेट्रोजाइगस हैं मतलब उनके अलील जो है वो सेम नहीं है, तो इसमें जो है डोमिनेंट अलील जो है वो कैपिटल बी है. अगर मैन में डोमिनेंट अलील कैपिटल बी है तो स्टेटमेंट के मुताबिक मैन के जो आइज़ कलर है वो भी ब्राउन होना चाहिए, और फीमेल का तो उन्होंने बताया ही हमें कि ब्राउन आइज़ है, लेकिन स्टेटमेंट में उसने लिख दिया था कि जो स्मॉल बी है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के लिए, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल बी है वो डोमिनेंट नहीं है, तो इसलिए जो है आपको स्टेटमेंट में जो है वो ब्राउन लिखना पड़ेगा. अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन ये था फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. एम्प्टी बॉक्सेस को आपने कंप्लीट करना भी है. किस तरह से है, अब आप देख रहे हैं कि पहला जो मैन है उसके दो गैमीट हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसी तरह से जो वुमेन है उसके भी दो गैमीट हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी. अगर आप पहले बी को लें मैन से, उसका क्रॉस नेक्स्ट जो फीमेल के दो गैमेट्स हैं दोनों के साथ करवाया जाएगा, कैपिटल बी के साथ उन्होंने आपको दिखाया हुआ है, और सेकंड बी में आप देखें मैंने लिखा हुआ है कैपिटल बी और स्मॉल बी. जो कैपिटल बी है वो मैन से आएगा और स्मॉल बी जो है वो वीमेन से आएगा. तो पहला एक और दोनों को नेक्स्ट दो के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास दो ऊपर वाले बॉक्स फिल हो गए. अब अगर मैन की बात करें तो इसमें जो स्मॉल बी है अब इसका जो है फर्दर जो आपके पास कैपिटल बी है वीमेन में स्मॉल बी, इन दोनों के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर स्मॉल बी को जब स्मॉल बी से क्रॉस करवाएंगे तो दोनों आपके पास स्मॉल बी होंगे. तो इस तरह से आप ये जो टेबल है आप फिल कर लेंगे. नंबर बी क्वेश्चन जो है विच अलील इज़ डोमिनेंट, कैपिटल बी इज़ डोमिनेंट, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं. विच ऑफ स्प्रिंग वुड बी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस फॉर आई कलर. होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों अलील जो है वो सेम होने चाहिए, मतलब कैपिटल बी हों दोनों या दोनों स्मॉल बी हों, तो होमोजाइगस मैंने सेपरेट कर दिया, और हेट्रोजाइगस का मतलब है दोनों डिफरेंट हों, एक कैपिटल बी दूसरा स्मॉल बी, तो दो ही इसमें आपके पास होमोजाइगस हैं और दो ही आपके पास हेट्रोजाइगस हैं. तो ये हमारा जो क्वेश्चन रहता था पिछले चैप्टर से चैप्टर नंबर 5 से वो भी हमने कम्प्लीट कर लिया. ये मैंने बुक से जो है पेज शेयर किए हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है ये मुकम्मल पैराग्राफ आपने करना है. उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये भी आपने मुकम्मल करना है जितना मार्क किया हुआ है. थैंक यू सो मच.